हेलो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर. गाइस, वी आर डूइंग थ्योरी ऑफ मशीन्स. गाइस, आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट द गवर्नर्स. सो फार अगर हम देखेंगे प्रीवियसली इन द थ्योरी ऑफ मशीन्स हमने क्या क्या किया है. वी हैव डन वी हैव कंप्लीटेड द गियर्स. वी आल्सो कंप्लीटेड द सिंपल मैकेनिज्म्स. इन एडिशन टू दैट वी आल्सो कंप्लीटेड द फ्लाईव्हील. ओके गाइस, गाइस आज जो हम करने जा रहे हैं दैट्स अबाउट द That's what we called as the governors. Okay, so let us start. Okay, तो क्या होता है गवर्नर? Guys, अगर हम देखेंगे फंक्शन एक गवर्नर की, गवर्नर का जो काम है दैट इज टू रेगुलेट और मेंटेन द मीन स्पीड. गाइज, गवर्नर क्या करता है? ये एक मैकेनिकल डिवाइस है, ठीक है. ये हम यूज करते हैं टू रेगुलेट द मीन स्पीड. मान लीजिए देयर इज अ फ्लक्चुएशन इन द स्पीड, ठीक है. अब इसकी वजह से क्या होता है कि वो फ्लक्चुएशन स्पीड क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द वेरिएशन ऑफ द लोड. बाय द टाइम व्हेन द लोड इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, देन अकॉर्डिंगली द स्पीड ऑल्सो ऑल्सो फ्लक्चुएट्स, ठीक है. सो द गवर्नर्स आर यूज टू मेंटेन टू रेगुलेट द मीन स्पीड, ठीक. इफ मान लीजिए कि अगर जो है स्पीड बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन नाउ द थिंग इज दैट या स्पीड घट रही है. मान लीजिए स्पीड थी, लोड बढ़ गया, ठीक है, गाड़ी में जो है लोड बढ़ गया. अब जो स्पीड है इसकी वजह से कम हो जाएगी. ऑब्वियसली व्हेन द लोड इंक्रीजेस द स्पीड इन द कार और द व्हीकल विल रिड्यूस, ठीक है. नाउ नाउ इन ऑर्डर टू मेंटेन द अगेन द सेम स्पीड जो ओरिजिनली थी, तो क्या होता है कि जो वी हैव टू सप्लाई फ्यूल, वी हैव टू सप्लाई द फ्यूल. ओके गाइज, जब हम फ्यूल सप्लाई करते हैं तो उससे एनर्जी मिलेगी, और जब एनर्जी जनरेट होगी तो उससे फिर स्पीड भी जनरेट होगी. यानी कि ये मान लीजिए अगर पहले स्पीड थी 45, अब जब लोड इंक्रीज हुआ इसकी वजह से स्पीड रिड्यूस हो गई टू 30. ओके गाइस, ठीक है गाइस. तो हम क्या कर रहे हैं, अब इसको चाहिए हाई लोड पे ये कम चल रहा है, ठीक है, लेकिन हमने इसकी स्पीड वापस लानी है इसी लोड पे जो कि हमने बढ़ाया है. मान लीजिए पहले लोड था 3 टन, ठीक है, 3 टन. 3 टन पे जब गाड़ी चल रही थी, इसका लोड 3 टन था फॉर एग्जाम्पल, तो ये चल रही थी 45 किलोमीटर पर आवर. ओके, लेकिन अब हमने इसमें लोड इंक्रीज किया, अब मान लीजिए इसका वेट जो है 3.5 टन हो गया, वेट बढ़ गया. ऑब्वियसली अब गाड़ी आहिस्ता चलेगी, ठीक है गाइस. लेकिन अब होगा क्या, अगर मान लीजिए मुझे इसी लोड पे 3.5 टन तो है मेरे को, लेकिन मुझे इस स्पीड पे ये चलानी, तो मैं कैसे इसको चलाऊंगा? तो मैं क्या करूंगा, ऑब्वियसली मुझे चाहिए कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी, ठीक है गाइस. तो एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से मिलेगी? एक्स्ट्रा एनर्जी मुझे मिलेगी बाय द टाइम व्हेन आई इंक्रीज द फ्लो ऑफ द फ्लूइड. फ्लूइड मतलब फ्यूल, ठीक है. जब फ्लो हम फ्यूल जो है हम लोग ज्यादा अब इंजेक्ट करेंगे तो इसकी वजह से एनर्जी जनरेट होगी, तो फिर जाके ये वापस आएगा. गाइस, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ पे हम कह सकते हैं जो इससे पहले स्पीड थी, फिर फ्लक्चुएट होकर डाउन आ गई, फिर जब हमने फ्यूल दिया तो अब ये फिर से वापस आ गया. गाइस, अब यहाँ पे गवर्नर्स का क्या रोल बनता है? गवर्नर्स ही वो डिवाइसेस हैं जो कि ऑटोमेटिकली रेगुलेट करते हैं इसी मैकेनिज्म को. मान लीजिए कि बाय द टाइम ये डिवाइसेस, ये मैकेनिकल डिवाइसेस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं व्हीकल पे, ठीक है. तो क्या होता है कि बाय द टाइम व्हेन द लोड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, ठीक है, क्योंकि बाय द टाइम व्हेन द लोड डिक्रीज उस वक्त जो है, बाय द टाइम व्हेन द लोड इंक्रीजेस डिक्रीजेस उस समय तो ये स्पीड बढ़ेगी. जब मान लीजिए अब मेरे पास 2 टन है, लोड घटा तो स्पीड बढ़ी, ठीक है, उस समय इसकी स्पीड बढ़ जा सकती है ऊपर कहाँ तक, 55 तक, लेकिन मुझे चाहिए 45, तो मुझे रिड्यूस करना है अब इसकी स्पीड. तो उसके लिए मुझे फ्यूल सप्लाई, अब जो मैं मान लीजिए इसमें कुछ फ्यूल सप्लाई इस पे दे रहा था, लेकिन अब चूंकि लोड कम हो गया इसकी वजह से स्पीड बढ़ गई, तो मुझे चाहिए कि मुझे थोड़ा सा फ्यूल को कम करना है ताकि ये वापस आ जाए अपने ओरिजिनल स्पीड पे, ठीक है गाइज. यहाँ पे रोल आ जाता है गवर्नर्स का. तो गवर्नर्स क्या करते हैं, ये जो ये मीन स्पीड है इसको रेगुलेट करते हैं. अगर मान लीजिए कि पहले इंक्रीज हो गया ड्यू टू द डिक्रीज इन द वेट, ठीक है, गवर्नर्स इंस्टॉल्ड हैं ऑलरेडी हैं, तो ये क्या करते हैं, ये फ्यूल को रेगुलेट करते हैं, ठीक है गाइज. तो ये फ्यूल को रेगुलेट कर, वो कैसे करते हैं, लेटर सी दैट. तो ये फ्यूल को रेगुलेट करता है, बाय द टाइम व्हेन वी नीड लेस फ्यूल तो ये डिक्रीज करता है फ्यूल अकॉर्डिंगली, क्योंकि इसमें वो मैकेनिज्म ऐसा सेटअप होता है कि मान लीजिए कि हमारा वेट जो है डिक्रीज हो जाता है, तो उस समय हमें कम फ्यूल की, क्योंकि स्पीड उसकी वजह से इंक्रीज हो जाती है, उस समय हमें कम फ्यूल की जो है जरूरत होती है, क्योंकि हमने कम एनर्जी को जनरेट करना होता है ताकि इसकी स्पीड जो है कम हो जाए, ठीक है गाइस. तो क्या होता है इसमें,
तो इसमें क्या होता है कि ये गवर्नर जो है फ्यूल की जो सप्लाई है ये स्टॉप करते हैं, स्टॉप नहीं मतलब कम करते हैं उसमें थ्रोटल, वो थ्रोटल वैल्यू को जो है रेगुलेट करता है, ठीक है, जहाँ से जो है फ्यूल इंजेक्शन फ्यूल जो है ये सप्लाई होता है, क्योंकि उसमें कुछ वैल्यू होता है, ठीक है, वैल्यू होता है। ओके एक सेकंड गाइस, आई जस्ट वांट टू कट इट डाउन, ये क्यों आ गया यहाँ पे। ओके गाइस, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि गवर्नर्स की क्या है जो है फंक्शन है। तो हमने यहाँ पे सिंपली लिखा है कि गवर्नर्स इज यूज्ड टू रेगुलेट द मीन स्पीड ऑफ एन इंजन, जो इंजन होता है उसकी मीन स्पीड को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सीधे सीधे लिखा है व्हेन देयर इज अ वेरिएशन इन द लोड, जो कि मैंने एग्जांपल दिया आपको कि अगर मान लीजिए वेरी करता है लोड, यानी कि मान लीजिए देयर इज अ व्हेन द लोड इंक्रीजेस, व्हेन द लोड इंक्रीजेस, ठीक है, इट्स स्पीड जो है इसकी स्पीड जो है व्हेन द लोड इंक्रीजेस स्पीड कम होती है, जो कि मैंने पहले ही कहा। देयरफॉर हमें क्या चाहिए, हमें फ्यूल सप्लाई को बढ़ाना है, तो गवर्नर ये काम करता है कि फ्यूल सप्लाई को बढ़ाता है। ऑन द अदर हैंड कि अगर मान लीजिए कि लोड जो है वो कम हो रहा है, ठीक है, कम हो रहा है, तो इसकी वजह से स्पीड बढ़ रही है, लेकिन हमने क्या करना है कि हमने अब जो है जो वर्किंग फ्लूइड है, जो फ्यूल है, वो हमें अभी कम चाहिए। तो गवर्नर इसको ऑटोमेटिकली खुद ही जो है इसमें ऐसा सेटअप लगा हुआ होता है कि वो इसको कंट्रोल करता है ताकि जो फ्यूल सप्लाई है वो कम हो जाए, ठीक है, और इस वजह से जो है जो इसकी मीन स्पीड है वो उसको विद इन अ सर्टेन लिमिट में ही ये रखता है। गाइज इफ यू सी हियर द नाउ द डायग्राम ऑफ अ गवर्नर, ठीक है गाइज, इसमें क्या होता है कि देयर आर टू बॉल्स आर देयर जो कि मासेस होते हैं, ठीक है, जो कि रोटेट करते हैं, ठीक है, जिसपे के जो कि कनेक्ट होते हैं स्लीव्स के जरिए, ठीक है, विद अ शाफ्ट दैट्स कॉल्ड एज अ स्पिंडल, ठीक है, एक स्पिंडल एक शाफ्ट होता है जो कि रोटेट करता है। अब रोटेट जब स्पिंडल शाफ्ट रोटेट करेगा तब इस वजह से ये दो बॉल्स भी रोटेट करेंगे, जब ये दो बॉल्स रोटेट करेंगे तब इसकी वजह से क्या जनरेट होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हां ठीक है गाइस। देन अकॉर्डिंगली बाय द टाइम व्हेन, अब देखिए जब ये रोटेट होता है, जब इनके का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एग्जर्ट होगा इन पे, ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा, जो देयर विल बी द स्लीव लिफ्ट, ठीक है, ये जो ये स्लीव्स हैं, इसमें जो स्लीव्स हैं ये ऊपर की ओर जाएंगे, देन अकॉर्डिंगली देयर विल बी द मूवमेंट इन दिस पोर्शन, ठीक है, जब इसमें मूवमेंट आएगा देन अकॉर्डिंगली जो लिंक्स हैं दैट इज कनेक्टेड विद द थ्रोटल, देन वो अकॉर्डिंगली उनको जो है ये मॉडिफाई करेगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इसको जो है थ्रोटल वैल्यू जो है दैट कैन बी क्लोज और ये, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए स्पीड बढ़ जाता है, बढ़ जाती है, ठीक है, जब स्पीड बढ़ जाती है देन अकॉर्डिंगली हमें फ्यूल को जो है कम करना है, यानी कि थ्रोटल जो है वो बंद होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए स्पीड घट रही है ड्यू टू द इंक्रीज इन द लोड, तब हमें ज्यादा फ्यूल सप्लाई चाहिए, देन अकॉर्डिंगली द थ्रोटल वैल्यू जो है वो ज्यादा ओपन होता है। दिस इज हाउ द गवर्नर, दिस इज द डायग्राम ऑफ द गवर्नर एंड दिस हाउ द गवर्नर वर्क्स, ठीक है गाइस। तो ये एक प्योरली मैकेनिकल डिवाइस है, ओके। तो गवर्नर क्या हमारे पास करता है, ठीक है, हमें ये क्या करता है, इट रेगुलेट द फ्यूल सप्लाई। तो गवर्नर एक्चुअली जो स्पीड को मीन स्पीड की फ्लक्चुएशन को कम करता है तो वो कैसे करता है, जस्ट बिकॉज इट्स रेगुलेटेड द फ्यूल सप्लाई। दिस अनदर अनदर थिंग दैट्स कॉल्ड एज अ फ्लाई व्हील, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा। फ्लाई व्हील का क्या काम है, इट रिड्यूस द फ्लक्चुएशन इन द स्पीड। फ्लाई व्हील भी जो है फ्लक्चुएशन इन द स्पीड को जो है रेगुलेट करता है, ठीक है, ठीक है गाइस। तो बट इसमें क्या है कि दैट इज रिलेटेड टू, दैट इज रिलेटेड टू द दैट फ्लक्चुएशन इज ऑफ द स्पीड इज जस्ट बिकॉज ऑफ द जनरेशन ऑफ द एनर्जी ऑफ द पावर, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि फ्लाई व्हील कहाँ पे लगा हुआ था, नेक्स्ट टू दी जो ट्रांसमिशन मैकेनिज्म के पास में, ठीक है, इंजन के साथ, ठीक है। जब पावर साइकिल में जो कि पता होता है हमें कि पावर सप्लाई में क्या होता है कि पावर स्ट्रोक में, सॉरी पावर स्ट्रोक में क्या होता है कि जो एनर्जी है वो इन एक्सेस में प्रोड्यूस होती है, जितनी रिक्वायरमेंट होती है पावर की उससे ज्यादा प्रोड्यूस होती है। तो ये फ्लाई व्हील जो है उस एनर्जी को जो है स्टोर करता है एंड उस समय रिलीज करता है कि बाय द टाइम देयर विल बी द नो क्या कहते हैं नो जनरेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि तीन स्ट्रोक्स में तो एनर्जी जनरेशन होती नहीं है। तो यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे, देखो एनर्जी जनरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टू द स्पीड, जितनी एनर्जी जनरेट होती है उसी के अकॉर्डिंगली स्पीड भी जनरेट होगी, कम एनर्जी पे कम स्पीड जनरेट होगी, ठीक है गाइस। तो बट अब मान लीजिए कि जब पावर स्ट्रोक के दौरान ज्यादा एनर्जी जनरेट होती है, इट मीन दैट कि जो ये तो उस समय जो चांसेस है कि स्पीड ज्यादा बढ़ेगी इंजन की, ठीक है। बट हम यूज इसमें, क्योंकि इसमें यूज होता है फ्लाई व्हील, फ्लाई व्हील क्या करता है, जो वो एक्सेस ऑफ एनर्जी है, एक्सेस ऑफ एनर्जी है वो स्टोर कर लेता है, ठीक है, यानी कि बहुत सारा जो एक्स्ट्रा पावर है वो उसी के रोटेशन में चला जाता है, ठीक, और वहां पे एक नया एक मोमेंटम जनरेट होता है और वो कंटिन्यू रहता है। मान लीजिए मेरे पास एक फ्लाई व्हील है, ठीक है, इसका कुछ मास है, ठीक है, अब जब ये रोटेट करेगा एक मास रोटेट करेगा, ठीक है गाइस। तो और उस मास को रोटेट करने में, रोटेट कराने में कुछ एनर्जी लगेगी और वो वही एनर्जी है जो इन एक्सेस जो कि हमें पावर स्ट्रोक में जनरेट होती है और उसी दौरान वही वो यूटिलाइज करता है। एंड बाय द टाइम व्हेन दैट रोटेट्स, ठीक है, एंड दैट कीप्स रोटेटिंग, यानी कि ये कंटिन्यू रहता है रोटेटिंग तब भी जब ये इनपुट एनर्जी नहीं होती,
ठीक है गाइस। तो इन दिस वे हम ये कहते हैं कि भाई इस ये रोटेट कर रहा है विदाउट द एनर्जी इनपुट, बट ये तो पॉसिबल नहीं है, विदाउट एनर्जी इनपुट तो ये काम नहीं कर सकता। बट अब ये काम कैसे कर रहा है, क्योंकि इसने जो है पावर स्ट्रोक के दौरान एक्सेस ऑफ एनर्जी ली है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे अप्लाई होती है। पावर स्ट्रोक के दौरान जो भी फ्लाई व्हील ने एनर्जी एक्सेस ली है, उसकी वजह से ये मोमेंटम इसका जनरेट हो गया और ये कंटिन्यू रख रहा है मोमेंटम बाय द ड्यूरिंग द अदर स्ट्रोक, जबकि जिसमें हम देखते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक है, इनटेक स्ट्रोक है, अदर स्ट्रोक्स हैं, तो उसी दौरान। ठीक है गाइस, तो दिस वाज द सिंपल, आई सिंपली मेक यू एक्सप्लेन व्हाट द फ्लाई व्हील एंड हाउ द फ्लाई व्हील एंड द गवर्नर वर्क्स। ओके गाइस, नाउ देयर आर द टाइप्स ऑफ द गवर्नर्स। ठीक है गाइस, एज फार एज द टाइप्स ऑफ कंसर्न, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द गवर्नर, वन इज द सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर एंड द इनर्शिया गवर्नर। ओके गाइस, सो क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर गाइस? जो इससे पहले मैंने ये डायग्राम दिखाई यही है सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर। ठीक है, और जो सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर होता है इट वर्क्स ऑन द चेंज इन स्पीड, ये किस पे करता है वर्क? ठीक है, जबकि इनर्शिया गवर्नर किस पे वर्क करता है? इट वर्क्स ऑन द रेट ऑफ चेंज इन द स्पीड, रेट ऑफ चेंज इन द स्पीड। ठीक है, आपको याद रखना है, यू कैन गेट डायरेक्टली एन ऑब्जेक्ट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनर्शिया गवर्नर एंड सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर में दैट वर्क्स ऑन द चेंज इन द स्पीड, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन स्पीड, यहाँ पे हम देखते हैं रेट ऑफ चेंज इन स्पीड। ओके गाइस, और हम ये भी देखते हैं इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, दैट इज जो ये सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर्स हैं तो ये काफी ये कम सेंसिटिव होते हैं, और जबकि ये होते हैं ज्यादा सेंसिटिव। मान लीजिए क्या होता है ये सेंसिटिव, कम सेंसिटिव, ज्यादा सेंसिटिव क्या होता है कि मान लीजिए देयर विल बी अ फ्लक्चुएशन इन द स्पीड। क्यों क्यों होती है फ्लक्चुएशन? एज आई सेड, ड्यू टू द वेरिएशन ऑन द लोड बाय द टाइम, मान लीजिए देयर इज अ वेरी लिटिल वेरिएशन इन द स्पीड ड्यू टू द चेंज इन द ड्यू टू द चेंज इन द ड्यू टू द चेंज इन द लोड। ठीक है, अब मान लीजिए अगर वेरी लिटिल ही हो चेंज इन द स्पीड, अब इस चेंज को ऑब्जर्व करे अगर इनर्शिया गवर्नर होगा तो इसको क्विकली वो ऑब्जर्व करेगा, देन अकॉर्डिंगली एंड अकॉर्डिंगली वो फ्यूल सप्लाई जो है कंट्रोल करेगा। तो मतलब ये कि मतलब ये छोटी सी छोटी चेंज को भी ऑब्जर्व करके और उस वजह से जो है इसको रेगुलेट करेगा। अब ये है कि डिवाइस इतना भी सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेंसिटिव है अब होना चाहिए, बट दैट शुड रेस्पॉन्ड, ऐसा भी नहीं है कि डिवाइस वेरी लेटली जो है रेस्पॉन्ड करे। ठीक है, तो बट ये है कि सेंसिटिविटी ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, इट शुड हैव एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ द सेंसिटिवनेस। ठीक है, तो बट हम क्या देखते हैं कि जो सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर होता है इट हैज कंपैरेटिवली लेसर सेंसिटिव कंपेयर टू दैट ऑफ द इनर्शियल गवर्नर। ओके गाइस, नाउ नाउ लेट्स कम टू द मोर, लेट्स नो मोर अबाउट द सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर जो होता है ये इट्स बेस्ड ऑन द बैलेंसिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि एज द सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर इज कंसर्न, क्योंकि यहाँ पे टर्म में ही है सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, इट्स रिलेटेड टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है गाइस, तो इसमें क्या है कि जो मीन स्पीड है ये कैसे बैलेंस होती है, क्योंकि वो अकॉर्डिंगली होती है, क्योंकि उसमें दो बल्ब्स होते हैं जो कि रोटेट कर रही होती है और इनमें जनरेट होता है क्या कहते हैं इसको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो द सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर्स आर बेस्ड ऑन द बैलेंसिंग ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द रोटेटिंग बॉल, जो मैं कहा बाय एन इक्वल एंड अपोजिट रेडियल फोर्स। उसमें हम क्या देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को रेडियल फोर्स के साथ बैलेंस होता है। ठीक है, दैट्स कॉल्ड एज अ कंट्रोलिंग फोर्स, यानी कि जो एक फोर्स होगा इस साइड से दैट इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दूसरा होगा इस साइड से दैट इज उसी के अपोजिट दैट विल बी द रेडियल फोर्स। ओके गाइस, ओके, और ये भी है कि जब द बॉल्स एंड द स्लीव राइजेज व्हेन द स्पिंडल स्पीड इंक्रीजेज, और मैंने ये भी कहा कि ये स्लीव्स जो हैं, ठीक है गाइस, और यहाँ पे जो बॉल्स हैं अगर स्पीड बढ़ रही है, ठीक है, तब इस वजह से जो है ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगा। अब इस वजह से जो है यहाँ से जो है इस डायरेक्शन में है, इफ यू सी हियर इज अ टेंशन फोर्स, हियर विल बी द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इस इनका जो रिएक्शन फोर्स है दैट विल रिजल्टेंट फोर्स है दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, और इसमें भी जो है एक 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 अगर हम इस रिजल्टेंट फोर्स को जो है करेंगे रिजॉल्व कंपोनेंट्स में, इसमें एक कंपोनेंट होगा वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है गाइस, तो जो ये वर्टिकल कंपोनेंट है इस जो कि क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसको दैट इज बैलेंस्ड बाय द रिएक्शन फोर्स। ठीक है गाइस, लेकिन जो अपवर्ड फोर्स है दैट इज नॉट बैलेंस्ड बाय एनीथिंग। ठीक है, तो अब क्या होता है कि अब इस वजह से जो अपवर्ड्स वर्टिकल फोर्स है जो कि इनबैलेंस्ड है, इसकी वजह से जो है दैट व्हाट हैपेंस दैट इज अ लिफ्ट, स्लीव लिफ्ट, ये जो स्लीव्स हैं बॉल्स हैं ये ऊपर की ओर चली जाती हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एज बाय द टाइम व्हेन द स्पीड इंक्रीज स्लीव और बाल जो है ये राइज कर जाती है, ये ऊपर चली जाती है, और बाय द टाइम व्हेन द स्पीड डिक्रीज ये नीचे की ओर चला जाता है। ठीक है, कहता है होप कि आपको समझ में आया होगा। और ये कह रहा है कि व्हेन द लोड इन द इंजन इंक्रीजेस, जो कि मैंने पहले ही आपको ये एक्सप्लेन किया, ठीक है, एंड गवर्नर स्पीड, गवर्नर की जो स्पीड है वो डिक्रीज होती है, लोड इंक्रीज होने पर गवर्नर की जो स्पीड है वो डिक्रीज होती है,
और इस वजह से क्या होता है कि सेंट्रिफ्यूगल फोर्स जो है ऑन द बॉल्स है वो भी कम हो जाता है। अब इसकी वजह से जो है बॉल्स जो है वो इनवर्ड्स या डाउनवर्ड्स हम कहेंगे स्लीव जो है वो नीचे की ओर चले जाते हैं, ठीक है गाइस। द डाउनवर्ड मूवमेंट की वजह से क्या होता है, अब इस वजह से क्या होता है जब स्लीव्स नीचे चली जाएंगे, इस वजह से जो है स्लीव ऑपरेट्स ऑन द थ्रॉटल वैल्यू जो कि कनेक्ट होता है थ्रॉटल वैल्यू के साथ, देन अकॉर्डिंगली क्या होता है कि दूसरे एंड पे जो है बैल क्रैंक्स जो इट्स लॉन्ग मैकेनिकल लिंक मैकेनिज्म इज देयर एडजस्टेड, लिवर्स वगैरह होते हैं। अब इनकी वजह से इन शॉर्ट मैं ये कहूंगा कि जो थ्रॉटल है उस वो वैल्यू वो खुल जाता है क्योंकि लोड बढ़ गया तो हमें फ्यूल की जरूरत होती है, ओके गाइस। देन द वर्किंग फिर उसकी वजह से स्पीड होती है इंक्रीज, और इसी का ये अकॉर्डिंगली ये कहता है कि जब लोड डिक्रीज होता है तब उस वजह से क्या होता है कि इंजन और गवर्नर की स्पीड बढ़ जाती है, और इस वजह से जो है हमें जो है ये सेंट्रिफ्यूगल बॉल्स जो है ये भी बॉल्स जो है ये भी ऊपर की ओर चली जाती है। अब इस वजह से जो है स्लीव जो लिफ्ट है वो भी बढ़ जाता है, अब इस वजह से अपवर्ड मूवमेंट होती है स्लीव की, और इसकी वजह से जो है फ्यूल सप्लाई जो है कम होती है। तो आई होप कि दिस इज हाउ आई हैव एक्सप्लेन इट क्लियरली हाउ द सेंट्रिफ्यूगल गवर्नर वर्क। एज फार एज द सेंट्रिफ्यूगल टाइप्स ऑफ सेंट्रिफ्यूगल गवर्नर इज कंसर्न, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, देर आर टू टाइप्स ऑफ सेंट्रिफ्यूगल गवर्नर, वन इज कॉल्ड एज अ पेंडुलम टाइप एंड अनदर इज कॉल्ड एज अ लोडेड टाइप, ठीक है। एज फार एज द पेंडुलम टाइप इज कंसर्न इट इंक्लूड द वाट गवर्नर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो फॉलोइंग इज अ सेंट्रिफ्यूगल टाइप ऑफ द पेंडुलम टाइप सेंट्रिफ्यूगल गवर्नर दैट्स अ वाट गवर्नर, एंड द लोडेड लोडेड में भी दो टाइप्स के होते हैं डेड वेट और स्प्रिंग कंट्रोल्ड, ठीक है गाइस। तो इसमें जो है स्प्रिंग कंट्रोल जहाँ पे स्प्रिंग इन्वॉल्व होती है तो उसमें है विल्सन हार्टनेल हर्टेंग हर्टनेल, ठीक है। एज फार एज दैट वेट इज कंसर्न इट इज द पोटर एंड प्रॉयल, ठीक है गाइस। सो हमारे पास है अगर हम देखेंगे एक तो हमारे पास वार्ड गवर्नर है पोटर गवर्नर है प्रोवेल गवर्नर है, ठीक है। देन वी हैव योर विल्सन हार्टल हर्टिंग एंड होटिंग एंड और द हर्टनेल, ओके। हम इसको जो है देयर वी कैन ऑल्सो क्लासीफाई इट सम अदर वेज, ठीक है। सेंट्रिफ्यूगल गवर्नर आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, वन इज कॉल्ड एज द ग्रेविटी कंट्रोल एंड अदर इज स्प्रिंग कंट्रोल। इफ यू सी हियर आई टोल्ड यू द लोडेड टाइप में से डेड वेट और स्प्रिंग कंट्रोल, और यहाँ पे पेंडुलम टाइप में आता है वार्ड गवर्नर। अगर इन तीनों को मिलाएं ये तीन ये बन जाते हैं दिस इज वॉट वी कॉल एज द ग्रेविटी कंट्रोल, इनको हम कहते हैं ग्रेविटी। देखो पेंडुलम के रिलेटेड भी है ग्रेविटी, ठीक है, डेड वेट, ठीक है, इनके रिलेटेड भी है ग्रेविटी, लेकिन यहाँ पे है स्प्रिंग, स्प्रिंग इन्वॉल्व इन गवर्नर्स में स्प्रिंग है, दे आर स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर्स जिनमें कि ये तीन आ जाते हैं, ठीक है गाइस। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ओके। नाउ तो क्या है स्प्रिंग कंट्रोल में, उसमें आते हैं वही हर्टंग हर्टनेल एंड विल्सन हर्टनेल, ओके। नाउ अब आप ये कहोगे कि सर आपने तो ये इनर्शिया गवर्नर का कहा ही नहीं, दैट इज सिंपली आपको याद रखना है जो कि मैंने कहा कि जो पिकरिंग गवर्नर है दैट इज एन इनर्शिया टाइप ऑफ द गवर्नर, ओके, इनर्शिया गवर्नर, ओके। सो हम लेट अस मूव टू दी जो सबसे सिंपल सेंट्रिफ्यूगल गवर्नर है दैट्स कॉल्ड एज अ वाट गवर्नर, दिस इज आई हैव ड्रॉ हियर द वाट गवर्नर, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हमने क्या करना होता है, वायर यू आर गोइंग टू यूज इट, तो इसमें सिंपली यू विल बी गिवन इन यू माइट बी आस्क्ड रिगार्डिंग दी, हमने उतना भी नहीं करना है इसमें। तो एज फार एज न्यूमेरिकल इज कंसर्न उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा पूछा जाएगा रिगार्डिंग दी हाइट, ठीक है, हाइट निकालनी होगी, मतलब व्हाट इज द हाइट, हाइट ऑफ द गवर्नर क्या होता है, ठीक है, वो हम अभी देखेंगे। इसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गवर्नर्स, स्प्रिंग लोडेड या ग्रेविटी टाइप, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि ये सेंसिटिविटीनेस कौन सा ज्यादा सेंसिटिव है कौन सा कम सेंसिटिव है, या देयर आर आल्सो सम अदर टर्म्स लाइक शंटिंग सॉरी हंटिंग, ठीक है गाइज, वो कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है, उन पे बेसिस पे ये ज्यादा भी ये उतना इलाबोरेटेड टॉपिक है नहीं, ठीक है गाइज। सो लेट अस सी द वार्ड गवर्नर, वार्ड गवर्नर में हम क्या देखते हैं, दीज आर द टू सेंट्रिफ्यूगल वाल्स, ठीक है, जिनका हम देखते हैं कोई मास है दैट इज अ स्मॉल एम, अगर हम देखें कि ये मास है तो इसका डाउनवर्ड होगा वेट। अब सेंट्रिफ्यूगल फोर्स होगा तो ये इसका है आउटवर्ड, ठीक है, एफ सी, और ये मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक दिस इज स्पिंडल, ये स्पिंडल एक्सीज है जिसके अबाउट ये रोटेट होता है, वी कंसिडर इट एज ओ, ठीक है। अब यहाँ पे ये मान लीजिए इस स्लीव पे ये जो ये स्लीव है हियर वी कंसिडर दैट देयर इज अ टेंशन, क्योंकि ऑब्वियसली टेंशन तो होगा ही, ठीक है, तो ये दो फोर्सेस हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा, देखिए टेंशन, अब मान लीजिए वेट को मैं रिजॉल्व करूंगा दो कंपोनेंट्स, ठीक है, एक तो इस डायरेक्शन में होगा, एक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और इसका एक कंपोनेंट जो है और दूसरा होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, सॉरी नॉट इन दिस डायरेक्शन बट दिस डायरेक्शन, ठीक है, ऐसे ये जो टेंशन है दैट विल बी कंपनसेटेड दैट इट इज वन कंपोनेंट, ठीक है, साइन वाला कंपोनेंट मान लीजिए, कॉस कंपोनेंट मान लीजिए, ठीक है, तो हो गया ये, इसको इसके साथ कंपनसेट किया जाएगा, ठीक है, लेकिन जो ये है, ठीक है,
दैट विल बी दैट शुड हैव सम रिएक्शन फोर्सेस. ठीक है, नाउ वी विल सी दैट कि व्हाट आर द डिफरेंट अदर थिंग्स. हम मानते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब मान लीजिए अब ये रोटेट कर रहा है किसी पर्टिकुलर आरपीएम पे. ठीक है, अब वो आरपीएम जो है उस पर कोई फ्यूल सप्लाई है एंड दैट फ्यूल सप्लाई एंड दैट इज एज एट ए पर्टिकुलर लोड. ठीक है, यह मान लेते हैं कि जो ये व्हीकल है अगर ये इसका गवर्नर रोटेट कर रहा है कि इसका लोड है फिक्स. ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, कॉन्स्टेंटली जो है फ्यूल सप्लाई होगा क्योंकि टोटल वो वैल्यू में तो मूवमेंट होगी नहीं. ठीक है गाइस, तो ये हम मान लेते हैं कि ये जो रोटेट कर रहा है ये किसी मीन स्पीड पे रोटेट कर रहा है. ठीक है, और एंड वी कंसीडर दैट मीन स्पीड बाय द एंड, और उस मीन स्पीड पे जो हाइट है फ्रॉम द टॉप टू द सेंटर यानी कि टू द एक्सिस दैट पास थ्रू द क्या कहते हैं इन दो बॉल्स के दरमियान टू मासेस. ठीक है, सेंट्रिफ्यूगल बॉल्स, तो वी कंसीडर दैट एज अ हाइट ऑफ द गवर्नर. ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. ओके, सो हियर वी हैव द एच एज अ हाइट ऑफ द गवर्नर. व्हाट इज द ओमेगा? ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी एट विच द बॉल्स और द स्पिंडल रोटेट्स. ठीक है, सो अगर हमने सेंट्रिफ्यूगल फोर्स को निकालना है, व्हाट इज दैट? दैट्स इक्वल टू द एम आर ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, वो तो सिंपल ही है. नाउ यहाँ पे मैंने ये डिराइव किया है, इफ यू कंसीडर दैट मोमेंट अबाउट द ओ, यू हैड कंसीडर द बेंडिंग मोमेंट अबाउट द ओ. ये मान लीजिए एक एक्सिस है, इसी के अकॉर्डिंगली ये फोर्स है. अब इसी के अकॉर्डिंगली सॉरी ये एक एक्सिस है और ये दूसरी एक्सिस है. अब यहाँ से फोर्स है, ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट अबाउट ए, जब बाय द टाइम यहाँ से इस डायरेक्शन से फोर्स आएगा वैसे देयर विल बी सम मोमेंट. ठीक है गाइस, सो दैट विल बी हियर एफ सी इंटू एच, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो एच है, ये हमने यहाँ पे स्मॉल लिखा है. Let's consider that this is the same H, ठीक है? अब यहां से लेकर यहां तक तो H है, यहां से लेकर यहां तक तो H है, ठीक है? H is equal to R omega, that is equal to R into W. W means weight. ये है, अब ये इसको यहां से एक और मोमेंट है, ठीक है? यहां से लेकर यहां तक ये बन गया, ठीक? तो फिर हमें यहां से मिलता है when I convert it, तो then I get, और देखो here I will use the value of the FC. यहाँ पे मैं फिर से इसको मैं रिकैप्चुलेट करता हूँ. वेट जो है दैट्स इक्वल टू द mg, ये तो आपको आया समझ होगा. सेंट्रिफ्यूगल फोर्स से पहले ही मैंने कहा दैट इज m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है, एंड h तो अपना ही है, एंड आई विल कैंसिल आउट r और r होगा कैंसिल आउट. ठीक है, m और m भी होगा कैंसिल आउट. ठीक है, तो फिर हमने h का वैल्यू निकाला है, दैट इज h इज इक्वल टू g बाय ओमेगा स्क्वायर, ये हम लाएंगे नीचे. ठीक है, दैट इज g बाय ओमेगा स्क्वायर, एंड वी ऑल्सो गिव द वैल्यू ऑफ द ओमेगा. ओमेगा किसके बराबर है? ओमेगा होता है जो कि एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू पाई n बाय 60. ठीक है, और n इज rpm यानी कि कितने रिवॉल्यूशंस पर मिनट, अगर हमने पर सेकंड के हिसाब से देखना है. ठीक है, देन वी हैव टू डिवाइड इट बाय द 60, तो ये पर सेकंड के हिसाब से आ रहा है. ठीक है, देन आई अप्लाई द वैल्यू ऑफ द ओमेगा हियर, और इन्हीं मान लीजिए क्योंकि पाई का वैल्यू भी मुझे पता है, 2 का भी पता है और 60 का भी वैल्यू पता है, देन वी विल गेट अ वैल्यू दैट इज h इज इक्वल टू 895. ये आपको याद रखना है. हियर यू विल सी दैट कि h और n जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. मान लीजिए जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, जैसे कि आपको पता ही है बाय द टाइम व्हेन द मीन स्पीड इंक्रीजेस तो क्या होता है कि ये स्लीव जो है ये ऊपर चली, ये बाल जो है ऊपर चली जाएंगे. जितना ये बाल ऊपर चली जाएंगी तो क्या होगा, तो उस वजह से क्या होगा, जो हाइट है वो कम हो जाएगी. तो तभी है जो हाइट है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड. ठीक है गाइस, नाउ अब ये भी है कि दैट्स व्हाट वी हैव टू एक्सेप्ट, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स है. व्हाट गवर्नर में कुछ प्रॉब्लम्स है. ठीक, क्या प्रॉब्लम है इसमें, वो ये कि इफ यू सी हियर, इफ यू एनालाइज हियर, see n square is here h is equal to the 895 by n square. ठीक है, और it means that n square जो है that is equal to 895 divided by h, है कि नहीं? तो हम कह सकते हैं, और ये 895 constant है, then we can say that n square is inversely proportional to h. ठीक है, अगर मान लीजिए जो बहुत ज्यादा rpm है, मान लीजिए हमारे पास बहुत ज्यादा rpm, ठीक है, बहुत ज्यादा आरपीएम, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो एच है दैट शुड बी वेरी 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 स्मॉल. ठीक है, तो एट अ हायर स्पीड तो ये तो उतना, अब कितना ये ऊपर चला जाएगा. ठीक है, अब मान लीजिए ये थोड़ी है, मतलब कि इनफिनिटली ऊपर चला जाएगा. ठीक है, जितना ये ऊपर चला जाएगा उतना एच कम है, एंड एट अ वेरी हाई रोटेशन हम क्या देखेंगे कि ये जो ये क्या कहते हैं इसको, जो बॉल्स हैं ये मतलब ऊपर नहीं जाएंगे. तो इस वजह से जो है टोटल वैल्यू जो है मूवमेंट नहीं करेगा, क्योंकि जितना स्पीड हमने बढ़ानी है, क्योंकि हमें फ्यूल भी तो चाहिए ना, होगा अकॉर्डिंगली. सो हम क्या कहते हैं कि जो वाट गवर्नर है फॉर द वेरी हाई स्पीड पे तो ये फिजिबल है ही नहीं. ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी वजह से जो है जो फॉर द हाई स्पीड तो एच तो बहुत ही कम होगा, और जब एच बहुत कम होगा ऑब्वियसली वो स्पिंडल जो है वो मूवमेंट ही नहीं करेगा, एंड देन अकॉर्डिंगली देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ द थ्रोटल. ठीक है,
सो इट इज नॉट एप्लीकेबल और वर्केबल फॉर द टू हाई स्पीड, ठीक है, बिकॉज हाई स्पीड पे जो है नो स्लीव मूवमेंट होगी, क्योंकि स्लीव तो मूव ही नहीं करेगा, ठीक है, मीन्स दैट देयर विल बी नो रेगुलेशन ऑफ द फ्यूल्स। वही मैं कहना चाह रहा था आपको कि हाई स्पीड पे ये इसमें ये प्रॉब्लम है कि ये बेटर है कि लो स्पीड जो है वहां पे काम चलेगा। तो क्या रेंज है इसकी, वी कैन गेट द ऑब्जेक्टिव हियर, द रेंज इज दैट कि इसका जो रेंज है दैट इज 60 टू 80 आरपीएम पे ये अच्छे से काम करता है, ठीक है, दिस इज अ गुड रेंज फॉर दिस काइंड ऑफ दिस गवर्नर, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वी मे गेट ए न्यूमेरिकल, सिंपल न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं, द चेंज इन द गवर्नर स्पीड हम देख रहे हैं, द चेंज इन द गवर्नर स्पीड क्या हम देख रहे हैं फॉर द वार्ड गवर्नर दैट वेरीज फ्रॉम द 100 आरपीएम टू 101 आरपीएम, ठीक है, विल बी, हमें क्या कह रहा है कि जो सॉरी द चेंज इन द गवर्नर हाइट फॉर द वार्ड गवर्नर, अगर हमने स्पीड को वेरी किया यहाँ से यहाँ, यानी कि ये कह रहा है कि हमने स्पीड को चेंज किया इतना, तो बता दीजिए हाइट में कितनी चेंज आई, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ यू सी दैट हियर आई हैव आल्सो मेंशनड द ऑप्शन, यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर, इफ यू सी दैट वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला एच इज इक्वल टू द 895 बाय एन स्क्वायर, ठीक है, एच वन जो है पहली मीन स्पीड, पहली मीन स्पीड तो 100 है, ठीक है गाइस, 100 है, तो उस पर क्या मिलेगी हाइट हमें, देन वी विल कैलकुलेट दैट, फिर तो हमें वो आया एच वैल्यू, एच वन वैल्यू, और एच टू जो है दैट इज द सेकंड स्पीड, ठीक है, तो उस पे जो है दैट इज वी विल गेट द वी विल यूज द वैल्यू ऑफ द सेकंड स्पीड एंड देन वी विल गेट दिस अनदर, ठीक है, मिला हमें एच टू, देन वी हैव टू फाइंड आउट द व्हाट इज द चेंज इन द हाइट, चेंज इन हाइट इज डेल्टा एच, ठीक है, इन दो की डिफरेंस है दैट इज 1.676 mm, दैट इज नियरली इक्वल 1.8 mm, दैट्स व्हाट वी हैव, सो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, मैंने मेंशन किया सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर्स आर प्रेफर्ड टू द इनर्शिया गवर्नर, बिकॉज़ क्यों होते हैं, क्योंकि जो इनर्शिया गवर्नर होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, और एंड जो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं दे आर प्रोन टू हंटिंग, ठीक है गाइस, लेटर सी द अबाउट द हंटिंग, ठीक है। नाउ ओके ओके गाइस, नेक्स्ट इज द पोर्टर गवर्नर, तो क्या होता है पोर्टर गवर्नर, पोर्टर गवर्नर भी एक सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर होता है, और ये मॉडिफाइड, इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है, इफ यू सी हियर आई हैव मेड अ डायग्राम हियर ऑफ द पोर्टर गवर्नर, ठीक है, इसमें अगर हम देखेंगे इसमें भी वो सेंट्रीफ्यूगल बॉल्स हैं, अब ये है कि दोनों साइड से होते हैं, ठीक है गाइस, इस साइड से भी यहाँ पे एक बॉल होगी दैट इज कनेक्टेड टू द सेंट्रल बॉडी गाइस, जो बीच में है दैट इज द स्पिंडल जो कि रोटेट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि वी डू कंसिडर द एट द सेंटर ऑन द स्पिंडल एक्सिस देयर इज अ लोड दैट इज कॉल्ड एज अ सेंट्रल लोड, ठीक है गाइस, और हम मानते हैं और इस सेंट्रल लोड के एक एंड पे एट अ सर्टेन डिस्टेंस देयर वी कंसिडर दैट इफ यू कंसिडर द डब्ल्यू वेट ऑफ दिस होल सेंट्रल लोड, ठीक है, और जो इसका जो ये वाला पोर्शन है ऑब्वियसली इस वाले पोर्शन का जो वेट है दैट विल बी हाफ ऑफ द टोटल वेट, ठीक है गाइस, तो वो बनेगा डब्ल्यू बाई टू, ठीक है, सो ये W जो है दैट इज द वेट ऑफ द सेंट्रल लोड, ठीक है, और जो W बाई टू है हाफ ऑफ द सेंट्रल लोड, ठीक है, और जो यहाँ पे जो बाल है इसका भी अपना वेट है वी कंसिडर दैट इज अ स्मॉल W, ओके, यहाँ पे ये टेंशन है, ये दो स्लीव्स का टेंशन T1 एंड T2 एंड वी डू कंसिडर द एंगल्स, ठीक है, विद द यहाँ पे जो अपर वाला पोर्शन है दैट इज द अल्फा एंड यहाँ पे विद द वर्टिकल दैट इज द बीटा, यहाँ पे ये, ओके गाइस, तो ये हमारे पास है पोर्टर गवर्नर, इसमें अगर हम देखेंगे बीटा इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अपर लिंक लिंक लोअर सॉरी लोअर, ठीक है, लोअर वाले पोर्शन में, ओके, वर्टिकल के साथ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तो हमारे पास ये है अल्फा और बीटा जो है वो दोनों हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, अब ये है कि ये लोअर वाली स्लीव जो है लोअर लिंक जो है उसके साथ ही बनाता है वर्टिकल, और जो वर्टिकल है ये अपर लिंक के साथ जो बनाएगा दैट्स कॉल्ड एज अल्फा, ओके, वेयर स्मॉल वेट हम मानते हैं द वेट ऑफ द बॉल, ठीक है, एंड कैपिटल वेट इज द वेट ऑफ द सेंट्रल लोड, ठीक है गाइस, तो ओके, अगर हमने अब क्या है कि अगेन इससे पहले हमने सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर का भी जो है ये हाइट निकाला था दैट्स इक्वल टू दी 895 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, ठीक है, और अगर हमने एन स्क्वायर निकालना हो दैट इज इक्वल टू 895 डिवाइडेड बाय एच, ठीक है गाइस, तो नाउ इफ यू कंसिडर दी पोर्टर गवर्नर, पोर्टर गवर्नर में भी हमने एन स्क्वायर बराबर होता है 895 बाय एच, ठीक है, बट विद सम फैक्टर दैट इज मल्टीप्लाई टू इट That is the summation of the masses divided by the mass. What is this capital M? That is the mass of the central load. ठीक है. What is the small m? That is the mass of the ball. ठीक है. Divided by m. ठीक. और हम इसको modified way में ऐसे भी लिख सकते हैं. This is the simple way. If we do not consider the in absence of the friction. Friction के बगैर हमने n square जो है वो इसके बराबर होता है. और with the friction
वी कंसिडर द फ्रिक्शन देन वी हैव टू मॉडिफाई द फॉर्मूला लाइक दिस. सो जो ये एम है दैट इज वी कैन से एम जी, ये पूरा वेट हमने लेना है ठीक है, जो ये वाला पोर्शन है ठीक है, ये वाला एम, तो इसके साथ ये कैपिटल एम यहाँ पे है, तो इसके साथ इसका जी प्लस माइनस एफ और उसी का हाफ ठीक है गाइस. और हमने एक जो है क्यू, वेयर एफ इज अ फ्रिक्शनल फोर्स, आई मेंशनड इट हियर ठीक है, एंड व्हाट इज दिस क्यू. ओके, क्योंकि यहाँ पे दोनों एंगल्स जो है वो बराबर होते हैं. इफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा देन वी विल सी दैट देन जो है ये क्यू है, दैट इज द, व्हाट इज द क्यू, क्यू इज द रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ठीक है गाइस, दैट इज द टेन बीटा बाय टेन अल्फा, जो नीचे वाला है दैट इज टेन बीटा डिवाइड बाय टेन अल्फा. अगर मान लीजिए ये दोनों बराबर है, इन केस ऑफ जो है व्हाट गवर्नर, अल्फा और बीटा दोनों बराबर होते हैं, सो वी डू नॉट कंसिडर द क्यू. बट यहाँ पे भी हो सकता है इनके सपोर्टर का बराबर, वी कैन कंसीडर दैट क्यू इज वन, इफ इन इफ इफ वी सी दैट द क्यू इज वन ठीक है, इफ क्यू इज इक्वल टू वन तो क्या बनेगा यहाँ पे, वन प्लस वन इज टू, और टू और वो वाला जो टू है वो टू और ये टू ये कैंसिल आउट हो जाएगा तब जाके. और मान लीजिए डियर इज नो फ्रिक्शन ठीक है, और फ्रिक्शन भी फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स भी नहीं है, और अल्फा इज इक्वल टू बीटा के बराबर है, तब जाके ये सिंप्लीफाई होके देखो ये दो और ये दो हो जाएंगे कैंसिल, एफ भी हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा यहाँ पे ये, बचेगा यहाँ पे स्मॉल एम प्लस ये स्मॉल एम के साथ इसका जी प्लस कैपिटल एम ठीक है, और उसका जी डिवाइडेड बाय स्मॉल एम ठीक है गाइस, और उसका जी इसके साथ, और जी जी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, दो बचेगा एम प्लस एम डिवाइडेड बाय एम, तो ये वाली जो फॉर्मूला है ये ओके गाइस. तो ये हमारे पास है पोर्टल, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा. तो एज फार एज इफ यू हैव टू फाइंड आउट द एच, तो एच को लेके जाओ यहाँ पे और एन को लेके आओ यहाँ पे ठीक है, तो हमारा जो एक्चुअली फॉर्मूला वही है बट bit modification, n square is equal to the 895 divided by h ठीक है guys. और यहाँ पे modification क्या है, एक factor जो कि हम multiply करते हैं, that's equal to summation of the mass, that is the center load, और जो mass of the ball divided by mass of the ball. If we consider the friction as well, we have to consider the f as well ठीक है. And अगर मान लीजिए हमारे पास q, what is the q, that is the ratio of the angle of inclinations, 10 beta by 10 alpha, if the both the angles are equal then q is equal to 1 okay. Now the next we have that is a Proyl governor. रॉयल गवर्नर कैसे बनता है, इफ यू सी दैट इनकी जो बॉल्स है वो एट अ सर्टेन डिस्टेंस, जो जो यहाँ पे जो यहाँ जो ये डिस्टेंस है, इफ वी पास द एन एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस ठीक है, तो इनसे थोड़ा सा ऊपर की ओर होते हैं, सो वी कंसिडर दैट अ रॉयल गवर्नर. वहां पे भी अगर हमने देखना होगा क्या कहते हैं इसको कि एन स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर ऑफ द स्पीड, वो किसके बराबर है, देखो एक तो वही है 895 बाय एच तो वही है, फिर पोर्टर में हमने देखा, ये तो हमने वाट में देखा ठीक है, फिर पोर्टर में हमने देखा क्या देखा हमने, एम प्लस एम डिवाइडेड बाई एम, यानी कि स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम डिवाइडेड बाई स्मॉल एम ठीक है. फिर लेकिन यहाँ पे थोड़ी और मॉडिफिकेशन है, बॉल्स को जो है ऊपर क्यों लेके गए हैं ये लोग ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम एक और फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज एफ एम डिवाइडेड बाई बी एम. वट इज एफ एम, इफ यू सी हेयर दिस इज एम ठीक है गाइज, ये मान लीजिए यहाँ पे हम लोग एक वहां से लेकर यहाँ तक, दैट इज द एम ओके गाइज, सो ये बनेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, दैट इज एफ एम डिवाइडेड बाई बी एम, ये वाला फैक्टर हमें मल्टीप्लाई करना है इसमें. और ये सेंट्रल लोड हम मान सकते हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक वी डू कंसिडर इट स्मॉल एच ठीक है, देन वी कैन ट्रांसफर इट. देखो यहाँ पे ये एंगल है, इफ यू कंसिडर इट एज एन आई हैव मॉडिफाइड, इसमें हमने मान लीजिए इसको अगर हम यहाँ की ओर एक्सटेंड कर लेते हैं ठीक है, तो यहाँ पे जो ये एंगल बनाता है, ये दोनों एंगल बन गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ठीक है, तो ये भी अल्फा है तो ये भी अल्फा है. अगर ये बीटा है यहाँ पे, ये बनेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ओके, तो ये भी बीटा और ये भी बीटा ठीक है. और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें बना ये एम ठीक है, वही मैंने कहा ये बना हमें यहाँ पे एफ एम डिवाइडेड बाई बी एम, ये फैक्टर हमने मल्टीप्लाई करना है, बाकी रेस्ट इज सेम. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. नाउ हियर आर दी सम टर्म्स हियर, स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नर क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नर कहते हैं कि गवर्नर इज स्टेबल कब होता है, फॉर एवरी स्पीड इन द वर्किंग रेंज देर इज अ डेफिनेट कॉन्फ़िगरेशन. क्या कहता है कि जो मान लीजिए जो गवर्नर की एक रेंज होती है ठीक है, देर इज क्या कहता है कि देखो जो गवर्नर है ये किसी मैक्सिमम स्पीड पे रोटेट कर सकता है और मिनिमम स्पीड पे भी रोटेट कर सकता है, और इसी के अंदर इन दो मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड्स के दरमियान ये रोटेट करता है. लेकिन क्या है कि अब व्हाट डज दैट मीन एट द मैक्सिमम स्पीड, अब यहाँ पे ये भी आपको देखना है कि मान लीजिए देयर इज अ सर्टेन गाड़ी जो है, देखो आई विल टेल यू पर्टिकुलर लोड पे पर्टिकुलर फ्यूल सप्लाई, और पर्टिकुलर फ्यूल सप्लाई की वजह से पर्टिकुलर स्पीड ऑफ द व्हीकल ठीक है ओके गाइस. अब मान लीजिए क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर सप्लाई ऑफ द फ्यूल है ठीक है,
अब इसकी वजह से ऑब्वियसली देर विल बी द कांस्टेंट स्पीड ऑफ द गवर्नर, और जो गवर्नर जो दैट मीन्स गवर्नर जो जो रोटेट करेगा वो एक कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट करेगा, ठीक है। इट मीन्स दैट जो स्लीव वाल्स है वो ऊपर नीचे नहीं हो रही, देन वी कैन सी दैट गवर्नर इज सेट टू बी सेट टू हैव एन इक्विलिब्रियम स्पीड, ठीक है। अब मान लीजिए अगर लिक्विड फ्यूअल जो है वो मॉडिफाई हो गया, ठीक है, वो बढ़ गया, फॉर एग्जाम्पल वो बढ़ गया, ठीक है, तो उस वजह से ऑब्वियसली जब फ्यूल बढ़ेगा तो स्लीव्स जो हैं गवर्नर के जो जिसपे के बॉल्स अटैच होते हैं वो ऑब्वियसली वो ऊपर जाएंगे, यानी कि जो हाइट है हाइट ऑफ द गवर्नर वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है गाइस। लेकिन वो कब तक होगा, मान लीजिए अगर इससे पहले कुछ फ्यूल था, फ्यूल सप्लाई हमने किया, अब हमने कुछ और दिया, बट अब हमने स्टॉप किया, यानी कि हमने और फ्यूल एडअप दिया, अब नाउ वी आर नॉट चेंजिंग इट, बट वी चेंज इट अप टू अ सर्टेन इंस्टेंट, बट वी आर नॉट चेंजिंग इट नाउ, ठीक है, लेकिन चेंज तो किया हमने, ठीक है। अब इसकी वजह से जो है स्पीड बढ़ गई, नाउ द स्पीड विल इंक्रीज अप टू अ सर्टेन लिमिट, ठीक है, तब तक जब तक हम फ्यूल सप्लाई जो है इंक्रीज कर रहे हैं। अब जब हमने फ्यूल सप्लाई जो है वो कांस्टेंट रखी, जो कर रहे हैं जो इससे पहले कर रहे थे वो वही कर रहे हैं, ठीक है, वो कांस्टेंट रखे, तो उससे क्या होगा, दी गवर्नर विल अगेन अटेन एन न्यू इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो गवर्नर के जो है हम कह सकते हैं डिफरेंट इक्विलिब्रियम स्पीड्स हो सकते हैं, ठीक है गाइस। तो यही है, अगर हमने गवर्नर इज स्टेबल व्हेन इट इज एवरी स्पीड विद इन द वर्किंग रेंज देयर इज अ डेफिनेट कॉन्फिगरेशन, दैट इज क्या कहता है कि देयर इज ओनली वन रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ द गवर्नर बॉल्स एट विच द गवर्नर इज इन इक्विलिब्रियम, वही कहता है ये कि गवर्नर के डिफरेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। एक एक स्पीड पे इसकी पर्टिकुलर हाइट होगी, यानी कि इफ इट इज रोटेटिंग एट अ सर्टेन आरपीएम एट अ सर्टेन हाइट, तो उस हाइट पे वही आरपीएम होगा, ठीक है गाइस। और मान लीजिए अगर इसकी हाइट इंक्रीज होगी तो मतलब है कि इसका आरपीएम भी इंक्रीज होगा, ठीक है, टिल इट अटेन्स द इक्विलिब्रियम, ठीक है। इफ द इक्विलिब्रियम स्पीड इंक्रीजेस तो रेडियस जो है वो भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि वो जो है आउटवर्ड चले जाएंगे। दिस इज व्हाट वी कॉल एज स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नर। सो क्या होता है स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नर, एट अ पर्टिकुलर हाइट पे हमें पर्टिकुलर स्पीड मिलती है, पर्टिकुलर स्पीड जो है तो वही एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्पीड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द सेंसिटिविटी ऑफ द गवर्नर। मान लीजिए इफ देयर आर द टू गवर्नर्स ए एंड बी, ठीक है, जो कि दोनों एक ही स्पीड पे चल रहे हैं। अब हमने क्या किया, इफ द लिफ्ट ऑफ द स्लीव ऑफ द गवर्नर ए इज ग्रेटर देन द लिफ्ट ऑफ द स्पीड बी व्हेन देयर इज सर्टेन चेंजिंग, मान लीजिए अगर हमने थोड़ा सा चेंज किया स्पीड, ठीक है, थोड़ी सी चेंज या थोड़ा सा लोड हमने चेंज किया, अगर हमने मान लीजिए इसमें भी लोड चेंज किया, इसमें भी लोड चेंज किया, ठीक है, मान लीजिए इससे पहले इसमें 3 टन था, इसमें भी 3 टन था, अब दोनों की स्पीड जो है बराबर थी, अब मैंने इसमें भी आधा टन इंक्रीज किया, इसमें भी आधा टन इंक्रीज, अब इसकी वजह से जो है लोड जो है जो स्पीड जो है वेरी करेगी। बट क्या देखते हैं हम कि इस वाले में जो है जो स्लीव लिफ्ट और स्लीव जो है डाउनवर्ड्स होता है, ठीक है, वो उतना नहीं होता है कंपेयर टू दैट ऑफ दिस, ठीक है, यानी कि जिसमें स्लीव लिफ्ट ज्यादा या ज्यादा चेंज हो जाएगा, दैट इज सेड टू बी द मोर सेंसिटिव, दैट्स कॉल्ड द सेंसिटिविटी ऑफ द गवर्नर। एंड एज फार एज द इक्वेशन इज कंसर्न, सेंसिटिविटी ऑफ द गवर्नर इज इक्वल टू द ट्वाइस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, ओके गाइस। देयर इज अनदर टर्म दैट्स कॉल्ड द आइसोक्रोनस गवर्नर। व्हाट आर आइसोक्रोनस गवर्नर, व्हेन द इक्विलिब्रियम स्पीड इज द कांस्टेंट फॉर ऑल द रेडियाई ऑफ द, क्या कहता है कि वर्किंग रेंज में अगर मान लीजिए अगर गवर्नर रोटेट कर रहा है, ठीक है, ठीक है, एट द डिफरेंट रेडियस ऑफ रोटेशन पे अगर हम देखेंगे हर एक पे इसकी सेम ही होती है, सेम ही स्पीड, जो कि हालांकि नहीं हो सकती है, ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि डिफरेंट हाइट्स पे डिफरेंट जो है स्लीव लिफ्ट पे हम देखते हैं कि उसकी इक्विलिब्रियम स्पीड जो है वो कांस्टेंट ही है, तो हम कह सकते हैं दैट इज द गवर्नर इज सेट टू बी आइसोक्रोनस। और उनके लिए क्या होता है कि देखो स्पीड चेंज नहीं होती है लेकिन जो है हाइट चेंज होती है, ठीक है, मान लीजिए फॉर एन आइसोक्रोनिज्म, आइसोक्रोनिज्म में हम क्या देखते हैं, इफ वी हैव द प्रोयल गवर्नर, वी हैव अ प्रोयल गवर्नर, प्रोयल गवर्नर नहीं, प्रोयल को छोड़ो, पहले हम कंसिडर करते हैं पॉटर गवर्नर, ठीक है, पॉटर गवर्नर में वी सॉ इट लाइक दिस, ठीक है, ठीक है गाइस। तो दिस इक्वेशन दैट इज एम प्लस कैपिटल एम इंटू वन प्लस डिवाइडेड बाई टू, यहाँ पे ये दो भी है, ठीक है, विदाउट फ्रिक्शन इज हियर, वी डू नॉट कंसिडर हियर द फ्रिक्शन। तो हम क्या देखते हैं कि अब जो स्पीड बराबर है, यानी कि जो है देयर इज द एन टू इज इक्वल टू एन वन, या n1 minus n2 is 0, that is n2 is equal to n1, तो उस बिना पे क्या होगा, heights भी different होंगी, but जो कि impossible है, Potter governor में तो वो impossible है, ठीक है guys, so हम कह सकते हैं, we can get an objective, which of the following governor can never be isochronous, Potter governor can never be isochronous, ठीक है, there is another term called as a hunting, ठीक है, what is hunting, a governor is said to be hunt,
इफ द स्पीड ऑफ द इंजन फ्लक्चुएट कंटिन्यूअसली अबो और बिलो द मीन स्पीड, जो हमारे पास मीन स्पीड इसकी होगी, मीन स्पीड इज मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाई टू, ठीक है, जो इसकी मीन स्पीड होगी, ठीक है, अगर मान लीजिए ये फ्लक्चुएट कर रहा है कंटिन्यूअसली, इसके ज्यादा और इसके नीचे, ठीक है, दैट इज हैड टू बी हंटिंग, ओके, देन नेक्स्ट इज द पावर ऑफ द गवर्नर, तो क्या होता है पावर ऑफ द, ओके, नेक्स्ट इज द पोर्टर, फॉर द पोर्टर गवर्नर हम लोग क्या देखते हैं, पावर ऑफ द गवर्नर, ठीक है, पावर ऑफ द गवर्नर किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू द मीन एफर्ट इनटू द स्लीव, लिफ्ट ऑफ द स्लीव, ठीक है, तो और लिफ्ट ऑफ द स्लीव हम मानते हैं वो इसके बराबर होता है, ठीक है, दैट इज ट्वाइस एच वन माइनस एच टू, और जो मीन एफर्ट है दैट इज इक्वल टू दिस समेशन ऑफ द फोर्सेस, ठीक है, और द पोर्टर गवर्नर जो है वो जो पावर होता है वो उन दो के प्रोडक्ट के बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू द पी इंडेक्स, ओके गाइस, थैंक यू.